फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक जियो का फ़ोन आया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो आप। तो फ्रेंड, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड कंडीशन में मेरे पास ये फ़ोन आया हुआ है। तो इसको एक बार हम यहाँ से ऑन करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये ऑन नहीं हो पा रहा है अभी फ़ोन, और जैसा कस्टमर का कहना है कि ये बिल्कुल डेड कंडीशन में ऑन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसा कि इधर का पीछे की साइड की कंडीशन वगैरह देख सकते हो आप। फ्रेंड देख सकते हो, इस पर जो है आप देख ही सकते हो किस तरह की कंडीशन इसकी बनी हुई है, और इसको हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना फ्रेंड, इसको हम देखेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ से। कहीं से भी प्रॉब्लम होगा उसको बनाने की हम लोग एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहना। एक बार फिर से इसको हम ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। और एक बार इसकी चार्जिंग और शॉर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। जैसे कि देख सकते हो, इस पर कंडीशन आपको दिख ही रहा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसकी कंडीशन आप, किसी ने इस पर केन इसका केन निकला हुआ ऑलरेडी पहले से ही। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट पे जो हम सेट करके इसकी सबसे पहले इसकी बैटरी की कितनी चार्ज है उसको एक बार हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड, बैटरी की चार्जिंग देख सकते हो आप, बैटरी बिल्कुल 2.9 वोल्टेज चार्ज है। इतने में फ़ोन शायद ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑन नहीं हो पाएगा इतने में। तो मेरे पास एक दूसरी बैटरी है जियो की यहाँ पे। ठीक है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं ये कितनी चार्ज है। तो यहाँ पे ये बैटरी देख सकते हो 3.8 वोल्टेज चार्ज है। तो इस बैटरी को लगा के एक बार फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड, ये फ़ोन अभी भी चालू नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने, ये बैटरी डाउन थी पहले वाली, दूसरी बैटरी भी लगाया मैंने बट फिर भी ये फ़ोन चालू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वैसे आप अपनी कंडीशन देख लिया कि किस तरीके की कंडीशन इस पर बनी हुई है। एक बार फ़ोन की हम शॉर्टिंग को भी हम चेक करेंगे कि तो अपने मल्टीमीटर को बीप के बजट पर आपको सिंपली सेट कर देना है। और इसको हम चेक करते हैं एक बार। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी पॉजिटिव लाइन है, रिवर्स वाइज में चेक कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर यह नॉर्मल रीडिंग बिल्कुल आ रही है। और इसको हम फिर से पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा के एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1900 दिखा रहा है तकरीबन, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, इतने में फ़ोन हमारा आराम से ऑन होना चाहिए था। ये हमारी नेगेटिव लाइन है और ये हमारा पॉजिटिव है। देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग फ़ोन के अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और फ़ोन भी जो है कम्प्लीट चालू नहीं हो पा रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली इसको फ्रेंड इसका जो भी, ये ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी इस पर किसी ने काम किया ही हुआ है। तो जैसा कि केन वगैरह से आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस पर स्क्रू भी निकला हुआ है। और मॉडल फ्रेंड इसका मुझे मालूम नहीं था बट मैंने कस्टमर से पूछा कि ये मॉडल कौन सा है, तो उन्होंने मुझे डब्बा ला के दिया। तो उस पर मैंने जैसा कि देखा, ये जियो का F101K मॉडल है फ्रेंड, जियो का F100K मॉडल है। ठीक है, तो देख सकते हो इस साइड पर आप। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से एक बार ओपन करते हैं। ओपन करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा जो पैनल है इसके अंदर फ़ोन को सेट करते हैं। और इसकी जो पावर की बटन है, ये जो बटन है हमारा, इस पर एक बार रीडिंग को चेक करते हैं कि यहाँ पे रीडिंग कोई भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस पर इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से साइड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो बैटरी चार्ज वाली है इसको सिंपली यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कितनी रीडिंग यहाँ पर आ रही है। तो इसको वोल्टेज के रेंज में रखेंगे और एक ग्राउंड कर देते हैं रेड वाले को, और यहाँ पर हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, 0.17 करके आ रहा है यहाँ पे रीडिंग, जैसा कि सिंपली आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे साइड में हम लगाते हैं तो ग्राउंड है, ये बीच वाली हमारी, इसमें रीडिंग वैसा कि आपको डिस्प्ले पे आराम से दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार ये हम फॉरवर्ड चेंज करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हो 0.14, 0.13, 0.15 इस तरीके की कुछ रीडिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, और इसका जैक वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड इसका जो जैक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज है। थोड़ा सा आपको जैक भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो फ्रेंड, इसका जो जैक है वो पूरी तरीके से डैमेज है, मतलब टूटा हुआ है। देख सकते हो आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये सब सारी जो स्टेप है वो मैंने चेक कर लिया है। अभी एक बार इसका जैक को भी हम चेंज कर देते हैं, और जैक को चेंज करने के बाद एक बार इसको चार्ज में लगा के देखते हैं। अगर चार्जिंग नहीं होता है तो इसको एक बार पीसी में या लैपटॉप में लगा के देखते हैं कि कोई पोर्ट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो जैक है उसको एक बार हम यहाँ से चेंज कर देते हैं।
तो इसको जूम आउट कर देते हैं हम थोड़ा सा फ़ोन को, और इसका जो जैक है फ्रंट, इसको चेंज करने की एक बार कोशिश करते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो इसका जो पिन वगैरह है वो मैंने यहाँ से प्रॉपर बैठा दिया है, देख सकते हो इधर साइड में। अभी एक बार इसको हम चार्ज में लगा के देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसको अभी हम एक बार चार्ज में लगा के देखते हैं। इसको यहाँ पे हम ऐसे तरीके से लगा देते हैं, और लगाने के बाद इसकी जो बैटरी है सिंपली इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चार्जिंग चेक करा देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अब इस चार्जर को निकाल के डायरेक्टली हम इस फ़ोन के अंदर लगा के देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी अभी तक डिस्प्ले पे कुछ भी शो वगैरह नहीं किया, जैसा कि यहाँ पे मैंने चार्जिंग पिन भी लगा दिया, बट फिर भी इसके अंदर कुछ भी शो अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो एक बार बैटरी निकालने के बाद इसकी जो बैटरी की जो रीडिंग है यहाँ पर जो आनी चाहिए बैटरी कनेक्टर पे, वहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है वहाँ पर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बैटरी को हम बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पर वोल्टेज 20 वोल्ट के रेंज में मैंने इसको ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है, तो एक बार यहाँ की भी रीडिंग को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ की भी रीडिंग हम देख सकते हो यहाँ पे 0.58 या 56 इस तरीके का कुछ रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हो इधर आप फ्रेंड 0.4245 इस तरीके की कुछ रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या करते हैं एक बार इसको पीसी में लगा के देख लेते हैं कि कोई पोर्ट शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम पीसी में लगाएंगे। लगाने से पहले इसका जो ये बटन होता है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा लगा देते हैं। तो सिंपली फ्रेंड अभी क्या ये बटन मैंने लगा दिया है, अभी एक बार इसको लैपटॉप में लगा के हम चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे वहाँ पे कोई पोर्ट शो करता है कि नहीं करता। फ्रेंड ये जो फ्रेंड मोबाइल है वो SPD का है, स्पेक्ट्रम, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो अभी एक बार इसको हम लैपटॉप में लगा के देख लेते हैं कि कोई पोर्ट शो वहाँ पर करता है या नहीं करता है। तो चलो एक बार वहाँ पर हम इसको लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने चार्जिंग लगाया हुआ है बट कोई भी रिस्पॉन्स इस फ़ोन के अंदर अभी तक नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं इस फ़ोन को मैं पहले निकाल लेता हूँ, इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको अभी मैं चार्ज से निकाल देता हूँ बाहर, और ये है हमारा फ़ोन। ठीक है, और ये हमारा लैपटॉप। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड ये हमारा मॉडल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये मॉडल है जियो का F101K। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसकी बूट की जाननी पड़ेगी कि ये बूट की है कौन सी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, और चलते हैं यहाँ पे सिंपली डिवाइस मैनेजर में। ठीक है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से सीधा डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है। ठीक है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली क्या करते हैं हम इस फ़ोन के अंदर डाटा केबल को लगाते हैं। डायरेक्ट डाटा केबल को लगा के देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डाटा केबल लगा दिया है, बट इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स अभी नहीं आया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रिस्पॉन्स इस फ़ोन के अंदर या फिर डाटा केबल यहाँ से देख सकते हो मेरे लैपटॉप में लगा हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले इसकी बूट की जाननी पड़ेगी, इसके अंदर बूट की कौन सी है, कौन सा बटन इसकी बूट की है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो बूट की है मैंने ऑलरेडी पहले भी सर्च किया था, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इसकी जो बूट की है फ्रेंड वो 3 नंबर की है। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है जियो का F101K, और यहाँ पे इसकी जो बूट की है वो 3 नंबर की है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं अभी, और ये इसको हम फ़ोन को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से अभी, और इसका जो 3 नंबर का पॉइंट है सिंपली उसको लगा के एक बार देखते हैं। ठीक है, इसका जो 3 नंबर का पॉइंट है फ्रेंड उसको एक बार मैंने प्रेस कर दिया है, और प्रेस करने के बाद डाटा केबल इसके अंदर लगा के देख लेते हैं। फ्रेंड जैसा कि मैंने इसके अंदर लगाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई पोर्ट शो किया है। यहाँ पे मैं फ़ोन को साइड में रख देता हूँ यहाँ पे,
और रखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ना कोई पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, तो कौन सा पोर्ट शो कर रहा है इस पर हम एक बार क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो SPID करके जो है हमारा जो ये पोर्ट जो है वो शो कर रहा है अभी लैपटॉप के साथ। तो फ्रेंड एक बार इसको हम सॉफ्टवेयर भी करके देखेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद अगर नहीं होता उसके बाद आगे की प्रोसेस को हम देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा फ़ोन जो वो अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट मैंने कनेक्ट किया तो ये फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और बूट की को प्रेस करने के बाद कनेक्ट किया तो ये जो है अभी बूट की से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये SPID का जो हमारा ड्राइवर है वो इसके अंदर ले चुका है। तो अभी हम इसका जो फाइल भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और पहले से मेरे पास एक फ़ाइल भी है, तो इसको हम डी ड्राइव में चलते हैं। और यहाँ पे जियो का फाइल है, फाइल यहाँ पे फाइल भी है हमारे पास। तो सिंपली हम करना क्या है, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारा टूल है और यहाँ पर जो है हमारा फाइल है, तो इसको यहाँ से हम सिंपली एक्सट्रैक्ट जो है कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर हम चलते हैं SPID पर क्लिक करते हैं, और इसका जो टूल है सिंपली इसको यहाँ से रन हम कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से फाइनली टूल जो वो रन हो चुका है, और इसके अंदर अभी हमको फ़ाइल लेना है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने फ़ाइल रखा हुआ वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे लोकल डिस्क डी में, और यहाँ पर न्यू जियो फाइल पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर ये फ़ाइल है इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से पैक फाइल को हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे ये फाइनली जो फाइल है वो अभी यहाँ पे ले रहा है, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे ये लोड भी हो चुका है, ज़्यादा MB की फ़ाइल नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इसको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि फ़ोन हमारा जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे स्टार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, बट कोई भी रिस्पॉन्स देख सकते हो यहाँ पर वेटिंग फॉर, यहाँ पर लिखा हुआ चेकिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसेसिंग में वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, नहीं होगा तो एक बार फिर से फ़ोन को निकाल के लगाएंगे। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वेटिंग आ रहा है। तो एक बार फ़ोन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। निकालने के बाद इसकी बैटरी को भी एक बार यहाँ से निकाल देते हैं, और बैटरी लगा देते हैं एक बार फिर से। और एक बार फिर से इसका जो बूट की है वो 3 नंबर का है, तो उसको यहाँ से हम यहाँ से प्रेस कर देते हैं, और प्रेस करने के बाद फिर से एक बार डाटा केबल लगा देते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट हो गया था, ये फेल हो चुका है। अभी एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इसको के बैटरी को निकाल देते हैं, बैटरी को यहाँ से लगाते हैं। और एक सेकेंड अभी हम क्या करेंगे, ये जो इसको यहाँ से हम एक बार स्टॉप कर देते हैं, और यहाँ से एक बार स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 3 नंबर वाली बूट की को प्रेस करके एक बार डाटा केबल लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ से हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर लेना स्टार्ट हो गया है। अभी फिर से यहाँ पर ये हिल चुका है सर, इसलिए छोड़ दिया ये, फिर से एक बार निकालते हैं इसको। शायद इसकी बैटरी हिल जा रही है फ्रेंड, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे बूट की फिर से प्रेस करके रखते हैं, और उसके बाद फिर से एक बार लगाते हैं। अभी ये ठीक से लिया नहीं है, एक बार फिर से निकाल के लगाते हैं। फ्रेंड इसकी बैटरी थोड़ी सी लूज़ हो रही है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो फाइल ले रहा है अभी। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो फाइल लेना स्टार्ट हो गया, अभी सॉफ्टवेयर हमारा लेना स्टार्ट हो गया है। सॉफ्टवेयर पूरा होने का यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और जैसे ही सॉफ्टवेयर हो जाएगा उसके बाद फ़ोन को ऑन करके देखेंगे क्या ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो जियो का फ़ोन अभी यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ्लैश होने का। फ्रेंड ये हमारी सिस्टम फाइल अभी चल रही है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वो ले चुका है, यहाँ पे प्रोसेस वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो फिनिश, यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर हो चुका है। अभी क्या करते हैं फ्रेंड, इसके अंदर से डाटा केबल को हम बाहर निकाल देते हैं, और एक बार इसकी जो बैटरी है उसको यहाँ से हम एक बार रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद एक बार इसके अंदर बैटरी लगा के एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड ये फ़ोन अभी ऑन नहीं हुआ, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एक बार
बार इसके बैटरी को यहाँ से निकाल देते हैं, थोड़ा इसको एक बार साफ़ करके एक बार फिर से लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो फ़ोन यहाँ पे अभी ऑन हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल ऑन नहीं हो पा रहा। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी आप, शायद आपको साफ़ नहीं दिख रहा हो। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन ऑन हो चुका है, जो कि फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी जो प्रॉब्लम है उसको चेक किया, और यहाँ पर जो इसकी जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर करने से जो है वो ठीक हो गई है। तो फ्रेंड अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का सेट आता है, तो आप डायरेक्टली आईसी पे वर्क नहीं करके आप जो है फ्रेंड पहले फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, और उसके बाद ही जाके जो है वो काम करें, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो पिन होता है वो ख़राब होता है, उसके कारण क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है वो आपके पीसी से या फिर आपके कंप्यूटर से बूट नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको बूट की भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जियो का जो फ़ोन है या फिर और भी एसपीडी या एमटीके के ऐसे भी फ़ोन है जिसके अंदर बूट की होना ज़रूरी है और आपको मालूम भी होना ज़रूरी है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन भी चालू हो गया है, और आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे और वेट कर लेते हैं फ़ोन को कंप्लीट होने का।